मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोग द लिटिल गर्ल जो बीहाइव पुस्तक का लेसन नंबर 3 है, द लिटिल गर्ल, वह आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके विषय में उसके क्वेश्चन आंसर जानने को हैं। और मेरे बच्चों याद रखिए, ये प्रश्न आपको समझाने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर बनाने आ जाएं। अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान दिया और ध्यान देकर समझा तो ये निश्चित है कि आपको प्रश्न के उत्तर बनाने आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उनके प्रश्नों में ही छिपे होते हैं। इसलिए ध्यान देकर समझिए, और अगर न समझ में आए तो दोबारा उसे दोहराकर समझिए। जब दोहराएंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, 25 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हु वॉज द लिटिल गर्ल एफ्रेड ऑफ, लिटिल गर्ल छोटी लड़की किससे डरती थी। व्हेन डिड सी फील ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, वह जो राहत या संतोष के भाव का सुख कब महसूस करती थी। अब मेरे बच्चों ये पता है, वह लड़की जो पहले प्रश्न का उत्तर, वह लड़की जो थी वह अपने ही पिताजी से डरती थी, और जब उसके पिताजी घर छोड़ करके अपने कार्य पर चले जाते थे, गाड़ी पर बैठ करके, वो कैरियज पर बैठ करके, तो कैरियज की जब आवाज़ सुनती थी, जैसे जैसे वो धीमी होती जाती थी, वैसे वैसे उसे तसल्ली के प्रसन्न भाव का अनुभव होता था। अब आंसर देखिए, ये हमेशा बताया करता हूँ मैं आपको कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है उसके पास से ही आंसर की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए आप देखें, द लिटिल गर्ल एफ्रेड ऑफ, इतना क्वेश्चन से ही लिया और उसके बाद में उसे जोड़ दिया हर फादर। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड सी फील ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, तो जहां पर डिड लगा हुआ है उसके पास से आंसर की शुरुआत करते हैं। सी फेल्ट ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ हर फादर्स कैरियज ग्रोइंग फेंटर। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर्स डिड फादर गिव, पिताजी क्या आदेश देते थे। व्हेन ही केम बैक, जब वह वापस आते थे होम, घर को, इन द इवनिंग, शाम को। इसका आंसर देखिए, फादर गेव ऑर्डर्स टू ब्रिंग टी, न्यूज़पेपर एंड स्लीपर्स इनटू द ड्राइंग रूम व्हेन ही केम बैक होम इन द इवनिंग। अर्थात पिताजी शाम वापस आकर के आदेश दिया करते थे, मेरी चाय ले आओ ड्राइंग रूम में, न्यूज़पेपर कहाँ है, देखो कहीं बाहर तो नहीं है, मेरी चप्पलें लाओ। इस प्रकार से अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके हाल के पास वे आदेश दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु वॉज ऑर्डर्ड टू टेक ऑफ हिज शूज, हु वॉज ऑर्डर्ड, किसे आदेश दिया जाता था टू टेक ऑफ, निकालने का, हिज शूज, उसके जूते, उनके जूते निकालने का किसको आदेश दिया जाता था। तो मेरे बच्चों सीधे सीधे जो केजिया है उसको आदेश दिया जाता था। तो जहाँ पर हु है वहाँ पर केवल और केवल आपको केजिया लगा देना है, बाकी सब वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th, आई डोंट नो फादर डिड ही ऑलवेज स्टटर, मैंने नहीं जानती पिताजी क्या वह हमेशा स्टटर हकलाती थी। मेरे बच्चों वो हमेशा नहीं हकलाती थी, वो केवल अपने पिताजी के सामने डर के कारण हकला जाती थी। इसी का आंसर देखिए, पहला भाग पूरा का पूरा उतार दीजिए, बाद में लिखिए नो सी डिडंट ऑलवेज स्टटर। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेंटेंस इन द स्टोरी सो फादर वाज सो बिग, कौन सा सेंटेंस कहानी का सो दर्शाता है फादर वाज सो बिग, पिताजी बहुत बड़े थे। तो मेरे बच्चों आप कहानी पढ़ चुके हैं और इसमें आप देखिए, द सेंटेंस थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट,
इन द स्टोरी शोज दैट फादर वाज सो बिग, अर्थात कहानी में यह वाक्य अकेले उनके बारे में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचने जैसा था, यह दर्शाता है कि पिताजी बहुत बड़े थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम ऑन संडेज? व्हाई डिड ग्रैंड मदर सेंड, ग्रैंड मदर क्यों भेजा करती थी हर उसे डाउन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम को, ऑन संडेज रविवार को क्यों भेजा करती थी उसकी दादी माँ? व्हाट डिड सी फाइंड देयर, उसने वहाँ क्या पाया? अब इसका आंसर देखते हैं। मेरे बच्चों सदैव याद रखो, जब कहीं वाई किसी क्वेश्चन में आता है तो उसमें या तो टू लगा करके, फार लगा करके, सो दैट लगा करके या बिकाज लगा करके क्वेश्चन का आंसर बनाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप ऑन संडेज को, फ्रेज को पहले ला दीजिए, बाकी पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए पहले। तो क्वेश्चन उतारते हैं, ऑन संडेज ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, आगे जोड़ दीजिए, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। बस इसका आंसर हो गया, अर्थात माता और पिता के साथ एक अच्छी बातचीत करने के लिए दादी माँ रविवार के दिनों में उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड सी फाइंड देयर, उसे वहाँ क्या मिलता था? तो मेरे बच्चों ये याद रखो, जब वो जाती थी ड्राइंग रूम में तो उसकी माँ पढ़ती हुई मिलती थी और उसके पिताजी सोफे पर पसरे हुए मिलते थे, जो कि मुंह पर रुमाल डालकर खर्राटे भर रहे होते थे और गहरी नींद में होते थे। उनके पैरों के नीचे एक सुंदर सी तकिया होती थी तथा सिर के नीचे भी। इसी का आंसर देखते हैं, सी फाउंड देयर हर मदर रीडिंग एंड हर फादर स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग ऑन द सोफा, पुटिंग हिज हैंकी ऑन हिज फेस एंड हिज फीट वर ऑन द बेस्ट कुशन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड ग्रैंड मदर सजेस्ट केजिया फॉर द फादर्स बर्थडे? व्हाट डिड ग्रैंड मदर सजेस्ट, ग्रैंड मदर दादी माँ ने क्या सुझाव दिया केजिया को फॉर हर फादर्स बर्थडे, उसके अपने पिताजी के जन्मदिन पर? तो मेरे बच्चों, दादी माँ ने पिताजी के जन्मदिन पर केजिया को एक पिन कुशन बनाकर देने का सुझाव दिया था। अब इसी को आंसर में देखते हैं, आंसर में कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, बाकी सब प्रश्न से ही मिल जाएगा। जैसे ग्रैंड मदर सजेस्टेड केजिया, अब ये भाग इतना ले लिया, उसके बाद आपको कुछ भाग जोड़ना है, टू मेक ए पिन कुशन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, फिर कुशन से ही उतारना है फॉर हर फादर्स बर्थडे टू गिफ्ट हिम। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मिस्टेक डिड केजिया मेक, केजिया ने कौन सी गलती कर दी, क्या गलती कर दी? व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग हर सरप्राइज, जब वह अपना जो आश्चर्य तैयार कर रही थी, सरप्राइज देना चाहती थी, वो तैयार कर रही थी, तो उसने क्या गलती कर दी? तो मेरे बच्चे, उसने गलती ये कर दी थी कि जो उसे दादी माँ ने येलो सिल्क दिया था, येलो रेशमी कपड़ा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मिस्टेक डिड केजिया मेक, केजिया ने क्या गलती कर दी? व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग हर सरप्राइज, जब वह अपना सरप्राइज तैयार कर रही थी अपने पिताजी को गिफ्ट करने के लिए, तो उसने क्या गलती कर दी? तो मेरे बच्चों, जो दादी माँ ने उसे पीला वस्त्र दिया था, रेशमी कपड़ा जिसे पिन कुशन बनाने को कहा था, तकिया बनाने को कहा था, उसमें उसने अपने पिताजी के मेज पर रखे हुए कागजों को फाड़ करके भर दिया था, ये उसकी बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब इसी का आंसर देखिए,
क्वेश्चन सही उतारिए, भेन केजिया वाज प्रिपेयरिंग हर सरप्राइज, सी मेड अ मिस्टेक ऑफ टियरिंग फाइन पेपर्स एंड स्टफिंग देम इन हर पिन कुशन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड फादर पनिश केजिया, पिताजी ने केजिया को कैसे दंडित किया। तो मेरे बच्चों, पिताजी ने एक छड़ी उठाई और छड़ी से उसके छोटे छोटे गुलाबी हाथों पर, गुलाबी हथेलियों पर अपनी रूलर से उसकी पिटाई कर दी। तो इसका आंसर देखिए, बीटिंग बाई रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, फादर पनिश्ड केजिया। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रैंड मदर होप्ड, दादी मात को आशा थी सी विल फॉरगेट, वह भूल जाएगी ऑल अबाउट द पनिशमेंट, इस दंड के विषय में पूरी तरह भूल जाएगी। डिड सी फॉरगेट, क्या वह भूल गई। हाउ डिड सी रिएक्ट, उसने क्या प्रतिक्रिया की। भेन सी सा, जब उसने देखा हर फादर अपने पिताजी को नेक्स्ट टाइम, अगली बार। तो मेरे बच्चों, वह भूली कुछ नहीं, यद्यपि उसकी दादी माँ ये समझती थी भूल जाएगी, लेकिन वो भूली नहीं और भूली भी नहीं, और साथ में उसने अपने पिता को जैसे ही देखा उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, दोनों हाथ पीछे कर लिए, और उसके गाल जो हैं एकदम लाल लाल हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले ये ज्यों का त्यों सेंटेंस उतार दीजिए, ग्रैंड मदर होप्ड सी विल फॉरगेट ऑल अबाउट द पनिशमेंट, उसके पश्चात क्वेश्चन आता है तो लगाइए नो सी नेवर फॉरगॉट, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे जो ये व्हेन सी सा हर फादर नेक्स्ट टाइम, इसी को आगे नोट कीजिए, व्हेन सी सा हर फादर नेक्स्ट टाइम, आगे जोड़िए सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड हर चीक्स टर्न्ड रेड। 11th क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड मिस्टर मैकडोनाल्ड गॉट, व्हाट वर दे डूइंग व्हेन द गर्ल पीप्ड थ्रू ए गैप इन द फेंस। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड मिस्टर मैकडोनाल्ड गॉट, मैकडोनाल्ड ने के कितने बच्चे थे। व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे। व्हेन द गर्ल पीप्ड, जब बच्ची ने झांक कर देखा, थ्रू ए गैप इन द फेंस, दीवार की झिरी से झांक कर जब देखा तो वे क्या कर रहे थे। तो आंसर देखिए मेरे बच्चों, मैकडोनाल्ड हैड गॉट 5 children, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर, दे वर प्लेइंग टैग व्हेन द गर्ल पीप्ड थ्रू ए गैप इन द फेंस, अर्थात मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे और वे टैग अर्थात पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे जब लड़की ने चार दीवारी के एक झिरी से झांक कर देखा। और मेरे बच्चों, यदि ध्यान दो तो इसमें आपको पता चलेगा, इस इतने लंबे आंसर में केवल 2 ही शब्द जोड़ने पड़ेंगे हैं, एक तो 5 और दूसरा टैग, से सभी शब्द क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम टू केजिया अगेन, कौन सा वही पुराना सपना केजिया को दोबारा दिखाई दिया। प्यारे बच्चों, केजिया को वही पुराना सपना दिखाई दिया करता था जिसमें एक कसाई आता था, बूचर, और उसके पास एक चाकू होती थी और एक रस्सी, उसकी आंखें बेहद भयानक होती थी और वह बढ़ता हुआ केजिया की तरफ आया करता था, यही सपना उसे दिखाई दिया। फिर से इसे आप आंसर में देखिए। अब इसके आंसर में हमें द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप सेट करना है, बाकी सब क्वेश्चन से ही मिलेगा। तो आप लगा दीजिए द सेम ओल्ड नाइटमेयर, द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप केम टू केजिया अगेन,
बस बेटा मेरा बच्चे, यही हो गया आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इट वॉज नॉट ए बुचर, यह कसाई नहीं था। इट वॉज फादर, ये पिताजी थे। हाउ डिड फादर कंसोल हिज डॉटर, पिताजी ने अपनी पुत्री को कैसे सांत्वना दी। तो मेरे बच्चे इसमें कुछ नहीं करना है, ये दो जो सेंटेंस हैं वे आपको झोंके तो उतार लेने हैं, और हाउ डिड फादर कंसोल हिज डॉटर तो इसका आंसर देना है। कैचिंग अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स एंड लाइंग हर बिसाइड हिम, फादर कंसोल्ड हिज डॉटर। अर्थात जब केजिया डर गई और वो दादी दादी चिल्लाने लगी, तो पिताजी गए और पिताजी ने उसे अपनी गोद में ले लिया, और गोद में लेने के बाद जब उसे अपने बेडरूम में ले गए और बेडरूम में ले जाकर उसे अपने पास लिटा लिया, इस प्रकार पिताजी ने उसे बालिका को, उस अपनी पुत्री को सांत्वना दी। लास्ट क्वेश्चन। हर एटीट्यूड टुवार्ड्स हर फादर चेंज्ड, व्हाट डिड सी थिंक अबाउट हिम, अपने पिता के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसका एटीट्यूड बदल गया। व्हाट डिड सी थिंक, उसने क्या सोचा अबाउट हिम, उनके विषय में। तो मेरे बच्चों अंत में उसने सोचा, वास्तव में पिताजी इतना थक जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, और काम करने के बाद स्वाभाविक है उन्हें गुस्सा तो आएगा ही, और गलती तो हमारी ही थी जो मैंने उनके इतने बढ़िया सुंदर लिखे हुए पन्ने फाड़ दिए, तो इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है, वे ही वास्तव में सच्चे पिता हैं, अभी तक हम जो सोचते थे वह सब गलत है। इस प्रकार से उसने अपने पिता के विषय में सोचा। अब आप इसका आंसर देखें मेरे बच्चे। इसका आंसर देने के लिए इस पूरे प्रश्न में से व्हाट इट हटा दो, और जो थिंक है वहाँ को उसको कर दो थाट, बस लिख दो हर एटीट्यूड टुवार्ड्स हर फादर चेंज्ड, सी थाट अबाउट हिम दैट हर फादर्स हार्ट इज सो ग्रेट, कि उसके पिता का दिल बहुत बड़ा है। हर थिंकिंग अबाउट हर फादर वाज रॉन्ग, हर थिंकिंग उसकी सोच अबाउट हर फादर अपने पिता के प्रति वाज रॉन्ग गलत थी। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल फादर्स, वो सभी पिताओं में से सबसे अच्छे हैं। ही इज रिजिड बट द अफेक्शनेट, वे कठोर तो हैं लेकिन परम स्नेही हैं, ऐसा उसने सोचा। मेरे बच्चों वास्तव में आगे हम ये महसूस करें तो हमारे माता पिता भी कभी न कभी हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों ये ईश्वर हैं, ये आपका कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, इसलिए सदैव उनके प्रति कृतज्ञ होकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके प्रति कभी गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।